कोरबा की सिविल लाइन पुलिस ने बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित निमेड़ इलाके में दबिश देने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस बल की कंपनी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी ने कोरबा की एक व्यवसायी को 6 लाख की चपत लगाई थी और दबे पांव भाग गया था। वर्ष 2021 में कोविड कालखंड के दौरान बीजापुर जिले का ललित कुरियन कोरबा में मारा मारा फिर रहा था। उस दौरान आरती नगर के व्यवसायी विनय अग्रवाल को उस पर तरस आ गया और उसे काम पर रखने के साथ वेतन दिया और 5 महीने तक भोजन भी उपलब्ध कराया। उस समय लॉकडाउन का टाइम था और वो मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाया और उसने ये कहा कि मेरे पास खाने का कोई जुगाड़ नहीं है, मैं अपने घर से दूर हूँ, यहाँ से वापस जाने की भी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बस नहीं चल रही है, कोई ट्रेन नहीं चल रही है, बीजापुर केवल बस का साधन है, तो मुझे कुछ दिन के लिए काम में रख लो और जो भी आपको लगता है तो आप दे देना, मुझे खाना पीना दे देना और जो पेमेंट देना आप दे देना। तो उसको सैलरी पे मैंने रखा और अपने घर से मैंने उसे सुबह शाम खाना खिलाया, नाश्ता खिलाया, लेकिन ये काम उसने 5 महीना किया और 1 साल बाद उसने इस कृत्य को किया। इसके बाद ललित अचानक यहाँ से भाग निकला। 1 वर्ष के बाद व्यय को मालूम चला कि उसकी पत्नी के खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और व्यवसायी का एक चेक भी पार कर दिया गया जिससे इतनी राशि निकाली गई। करते हुए सर उसने केवल चेक की चोरी की और काम छोड़ने के 1 साल बाद उसने उस चेक को हरित किया। आप लोगों को कैसे पता चला कि उसके बारे में? सर ये जब मैं अपने वाइफ का पासबुक एंट्री करवाने गया तब मुझे पता चला कि उसके अकाउंट से पहले 3 लाख रुपए नगद आहरित हुआ है और 3 लाख रुपए उसके अकाउंट से मेरे जो पुराना स्टाफ था जो काम छोड़ के गया आरोपी है उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए आहरित हुआ है। और उसने अब फर्जी हस्ताक्षर किया। सर सबसे बड़ी बात है मेरे कोई भी चेक जो रहते हैं वो साइन किए हुए नहीं रहते हैं, मेरे चेक जो है कोरे रहते हैं, उसने फर्जी साइन मार के मेरी वाइफ का भी और मेरा भी अकाउंट को उसने आहरित। इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की लेकिन उसे पिछले समय में कोई सफलता नहीं मिली। सिविल लाइन पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बीजापुर पुलिस के सहयोग और पुलिस के एक कंपनी को साथ लेने पर आरोपी के घर पर दबिश दी गई जहां से उसे गिरफ्तार किया जाना संभव हो सका। इसमें एक टीम गठित की गई जो मैं और मेरे साथ 2 आरक्षक गए वहाँ ग्राम थाना निमेड़ जिला बीजापुर में और वहाँ पे आरोपी को उसके सकुना से जो है बहुत मशक्कत के बाद जो है पकड़ा गया है। वो घोर नक्सली क्षेत्र है, वहाँ पे जल्दी जाते नहीं हो, वहाँ पर एक कंपनी जो है पुलिस साथ में गई थी तब जाके दबिश दी जा सकी है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में नामजद किए गए आरोपी को पुलिस ने बीजापुर जिले से गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश के आदेश पर आरोपी ललित कुरियन को जिला जेल भेज दिया गया है। ACN न्यूज की पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।